Yes, boss. हाँ क्या हुआ? देखो हमारे घर में कंजर खाना खुल चुका है, जड़ी जवानी बुट्टी नू। ए, मेरी खिलनी मत उड़ाओ, तुम शायद जानते नहीं एक जमाने में मैं चोटी की डांसर हुआ करती थी। हाँ जी, उसी टाइम से हमारी फिल्मों में वाहियात डांसेस का जमाना शुरू हो गया था। मोहन ज्यादा मत बोलो, तुम जानते नहीं हो अगर डैडी ने रोका नहीं होता मम्मी अपने जमाने की टॉप फिल्म स्टार होती। डेढ़ आंख वाली ललिता पवार। तुम्हारा पति ना मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तुम एक एड फिल्म में मुझे रोल देके देख लो, देखना मैं क्या से क्या कर दिखाती हूँ। फिर वो एड फिल्म ही रहेगी माता जी, वो मैड फिल्म बन जाएगी। मैड मोहन कितना बोलते हो मम्मी के बारे में, बंद करो अब। अरे भाई बोलने दो ना, वो वर्मा ने ऑफिस में इसकी बोलती बंद कर रखी है तो घर पे आके मुझसे बदला लेता है। लेडी वॉचमैन दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, मीरा मैं जाती हूं। परेशान करके रखा आया होगा इसका। हाय मीरा जी। हाय सर, आइए। हेलो श्रीवास्तव जी, हाउ आर यू सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं क्या बोल रहा था मीरा जी, जी सर? कि वो जो 40 प्लस कैप्सूल्स की जो वो एड फिल्म के लिए मॉडल सिलेक्शन हो रही थी वो हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, वो काम मैंने मोहन जी को सौंप दिया है। तब तो शूटिंग हो गई फिर मीरा जी। अरे नहीं सर, मॉडल सिलेक्ट हो गई है, क्या चाहिए, एक अधेड़ उम्र की तो औरत चाहिए, वो सिलेक्ट हो गई सर। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। हाँ आरती जी बोली जी। ओ माय गॉड, नहीं कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे सर। प्रॉब्लम हो गई सर। क्या हुआ मेरे? सर हमने जो मॉडल सिलेक्ट की थी 40 प्लस के लिए वो बीमार पड़ गई सर। मोहन जी का साया जिस चीज पे पड़ जाए, जहाँ पड़ जाए वो चीज खत्म, नेस्त नाबूद, खत्म हो जाती, बर्बाद हो जाती। सर आप फिक्र मत कीजिए, हम मोहन जी से कह देंगे, वो एक और मॉडल सिलेक्ट कर लेंगे। जी नहीं मेरा जी, थैंक यू वेरी मच, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। अरे वर्मा बेटे तुम कब आए? एक मिनट। ओ माय गॉड। यस मीरा जी। यस सर। बाहर जाने की जरूरत नहीं, मॉडल आपके घर में। कहाँ? ये रही मॉडल आंटी। आंटी जी, एडक्राफ्ट का एमडी विनोद वर्मा आपको साइन करता है अपनी एड फिल्म के लिए एज अ मेन मॉडल। और खुरदार क्यों अपनी कंपनी को डुबो रहे हैं? नहीं सर, डूबेगी नहीं सर, कंपनी कंप्लीट टेक ऑफ ले लेगी सर, इन द एयर। मम्मी मम्मी तुम ऐड करोगी ना? मैं कर पाऊंगी, दामाद जी से पूछ। उनसे पूछने की जरूरत नहीं है आंटी जी, उनका हक सर मेरा देखो। तो मैं कर लूंगी। वी आर वर्किंग टुगेदर। Yes. Your business, right? ये गेम भी खत्म है यार। यार मोहन जी ऑफिस नहीं आते तो मजा ही नहीं आता, कोई टेंशन ही नहीं होती। टेंशन बहुत है मेरे को आजकल यार। क्या हुआ? वो जो नई एड फिल्म बन रही है 40 प्लस की, हाँ। जो बनवा रहे हैं वर्मा साहब, हाँ। बता उसके लिए मॉडल किसको लिया है? किसको? मेरी सासु माँ को। मोहन जी अब तो आपकी पांचों उंगलियां घी में, कड़ाई में। क्या बात कर रहे हो, मतलब मीरा भी काम पे जाए, उसकी माँ भी काम पे जाए, तो घर के काम कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा, साफ सफाई कौन करेगा, बर्तन कौन साफ करेगा, कपड़े कौन धोएगा? मैं। भाई बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, देख नहाता तू ऑलरेडी ऑफिस में है, कंपनी के अकाउंट में अपने कपड़े धुलवा लियो और खाना तुझे सब तू कैंटीन से लाके खिला दिया करेगा। यार फिर भी और कितने सारे मॉडल हमारे देश में यार, उनको लो यार, मतलब मेरी गेट बैक टू वर्क एवरीवन राइट अवे। ए यो टॉकिंग टू मी, या कम इन। बच्चों की भीड़ में खड़े होकर अपने आप को हीरो समझते हैं क्या? सर वो बात नहीं है, बच्चे काम करते करते बोर हो जाते हैं, दे नीड सम एंटरटेनमेंट टू बी रिफ्रेश्ड, दैट्स व्हाट आई प्रोवाइड देम। सबसे बड़े बोर तो आप खुद। आप वर्मा जी, ये 40 प्लस स्टोरी के मिस्टर तमंचा वाले हैं। ये कल शूटिंग शुरू होने से पहले मॉडल को मिलना चाहते हैं। हाँ, यूं सी चार पांच अच्छा मॉडल लोग तुम हमारे सामने पेश करो, हम उसका ऑडिशन लेगा, देखेगा। अब देखिए उसकी जरूरत नहीं, ऑडिशन की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑडिशन ले लिया है, इट्स ऑल सेट। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि देयर कम, देयर शुड बी एटलीस्ट 4-5 मॉडल्स टू सेलेक्ट फ्रॉम। इफ यू टेक ओनली वन मॉडल, सपोज इट मॉडल, आपके में सुसाइड, आपकी अंग्रेजी पूर है। अगर एक मॉडल लेते हैं कल को वो बीमार हो जाती है, कुछ हो जाता है उसको, तो हम कहां जाएंगे? विल बी रुइन। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी इंटेलिजेंट, वंडरफुल, आई लाइक इट, आई लाइक इट। एक और है ये। सर प्लीज अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मोहन जी श्रीवास्तव, द क्रिएटिव विजुलाइजर ऑफ दिस कंपनी, जूनियर विजुलाइजर ऑफ दिस कंपनी। सर इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक यू टू कीप माय कार्ड, सर इस पे रखिए, कभी आपको एड बनवानी हो, इसमें मेरे भाई का पेजर है और पीपी नंबर भी है सर। कोई जरूरत नहीं, इस कार्ड की कोई जरूरत नहीं। एंड नेवर एवर गिव एनीवन अ विजिटिंग कार्ड, ओके? सर लेकिन आप मेरी बात समझिए। शट अप, जब चार आदमी बात कर रहे होते हैं ना तो बीच में चोंच मत लगाए करीब, समझे आप?
सर लेकिन एक शर्त हाय मोहन जी आइए मोस्ट वेलकम क्या हुआ आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं क्या बताऊं आपको मैडम आप जानते हैं हमारे दफ्तर में एक एड फिल्म बन रही है वर्मा साहब बनवा रहे हैं और पता उसके लिए मॉडल किसको लिया है किसको मतलब यू विल बी शॉक्ड छुप छुप के बातें हो रही है एक्सक्यूज मी सासुमा मैं मोहन जी के साथ कभी छुप छुप के बातें नहीं करती ये यहाँ क्या कर रहे हैं आपके सपुत्र की तारीफ कर रहा था अरे वाह कैसी तारीफ अब मैडम क्या बताऊं आपको शादीशुदा औरतों को खुश करना भी वर्मा साहब से सीखे हैं अच्छा इन्होंने किस औरत को खुश किया जरा बोलो तो है हमारे दफ्तर में काम करती है लंबी चौड़ी गोरी चिट्टी नेक हसीन और एक्सक्यूज मी मोहन जी ये सारी बातें सासू माँ को बतानी जरूरी है लेकिन मैडम इनको पता तो चले कि इनके सुपुत्र दफ्तर में क्या गुल खिलाते हैं बता बता आंटी जी हमारे दफ्तर में ऑफिस में एक एड फिल्म बन रही है और जानते हैं उसके लिए मॉडल किसको लिया है किसको ये जो जिस लेडी की बात कर रहा हूँ मीरा मैडम इसकी माँ को लिया है मॉडल अरे तो उसमें क्या बड़ी बात है अरे दुनिया में और कितनी माए हैं उनको ले सकते थे लेकिन नहीं उनको मीरा मैडम की माँ को ही लेना है क्योंकि मीरा मैडम को खुश तो करना है आंटी अगर वो चाहते ना तो इस एड के लिए आप ले सकते थे सासू माँ ने बहुत काम किया है स्टेज पे हाँ मैंने बहुत काम किया है स्टेज पे अच्छा क्या क्या काम करती थी आंटी प्रेस वाली थी आर्टिस्ट के कपड़े प्रेस करती थी कविता ऐसी बात नहीं है मैंने एक्टिंग में बहुत इनाम जीते हैं अच्छा हाँ तो मतलब वर्मा साहब को इस बारे में मालूम नहीं है कुछ अरे विनोद तब कहाँ पैदा हुआ था इसीलिए मीरा मैडम की माँ को ले रहे हैं अभी आने दो विनू को ऐसी खबर लेती हूँ उसकी अरे टीवी पे चमकने का मुझे शौक नहीं है क्या अभी बात करती हूँ उससे मैं आंटी आप उनसे बात मत कीजिए मैं हूँ ना मैं आपका बेटा नहीं हूँ मैं आपका बच्चा नहीं हूँ देखिए मेरे पास एक प्लान है अगर आप उसको फॉलो करेंगे सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी अच्छा ठीक है तनवीर यू आर सेट यस ऑल राइट कम ऑन आंटी जी आप रेडी हैं क्या क्या करना क्या बेटा क्या करना है क्या मतलब है आर्टिस्ट को किसी ने समझाया नहीं कि क्या करना है तनवीर तूने कुछ बताया नहीं मैडम को क्या करना है वो सर मोहन जी बताने वाले थे मोहन जी को मारो गोली देखिए देखिए आंटी मैं आई विल टेल यू क्या है कि ये हम एड बना रहे हैं 40 प्लस एनर्जी कैप्सूल्स की अच्छा 40 के आगे की यस तो हम क्या कैटर कर रहे हैं 40 प्लस की जो सीनियर सिटीजन है ना उनको कैटर कर रहे हैं अच्छा करना क्या है इसमें कि आपको हाथ में कैप्सूल का वो बॉटल लेनी है कैप्सूल निकालना है मुंह में डालना और स्माइल करना है अब कट अरे नहीं नहीं व्हाट नॉनसेंस खाली स्माइल नहीं कैप्सूल खाने के बाद डांस करने का अरे पता तो चले पब्लिक को कि कैप्सूल खाने के बाद कितना टैगर अटैक अटैक ऑफ कोर्स आंटी यू कैन डू इट अरे मम्मी नर्सरी में आप डांस किया करते थे भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली थी आप मीरा जी की मॉम है आप कुछ भी कर सकती हैं आंटी जी बेटा मैं उस वक्त छोटी थी ना आप क्या यू कैन डू इट यू कैन डू इट तुम्हें लग रहा है यस यस तुम कह रहे हो मैं करूंगा ओके यू आर रेडी अब कैप्सूल ऑफ कैप्सूल ऑन लो भाई कैप्सूल ऑफ ये लो ये लो ओके दिस इज द कैप्सूल ओके अच्छा बेटे कुछ है नहीं इसमें तो खाली है बेटा अरे कोई बात नहीं ऑडिशन हो रहा है आंटी जी वो शॉट में देंगे मेन शॉट अच्छा मतलब एड में सब खाली होता है आर यू रेडी एक्शन बोलो तुम मैं ओके एक्शन फोर्टी प्लस एक्शन बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिल हम बरसात में ताकी नकी काट काट ताकी नकी अरे काट 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 अभी दूसरा है आगे नहीं हो गया हो गया अरे हो गया हो गया गुड ना नहीं नहीं नॉट गुड अरे ये मॉडल चला ठगे ना क्या ऐसा नहीं अच्छा है लेकिन थोड़ा ओल्ड है यू सी हमको थोड़ा डिफरेंट चॉइस मांगता है कुछ है क्या नो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं दिस इज द बेस्ट चॉइस इन दिस एज कैटेगरी शी इज द बेस्ट मॉडल इन टाउन एक्सक्यूज मी सर वी हैव गॉट वन मोर चॉइस आइए आंटी जी आइए कम आइए सासुमा आइए नमस्ते नमस्ते वेरी गुड क्या बात है हेल्दी एक्सक्यूज मी शी इज माय मॉम अरे मैंने किधर बोला कि शी इज माय मॉम देखो यू हैव गॉट ऑब्जेक्शन आई विल गो समवेयर मेरा डांस नहीं देखोगी अरे देखेगा डेफिनेटली देखेगा सासु माँ यू कैन डू इट मालूम क्या करना है ये कैप्सूल आपको खाना है उसके बाद हम बोलेंगे एक्शन और आपको गाना गाना है ओके नाउ कम ऑन लाइट्स ऑलरेडी ऑन कैमरा मैं बोलूंगा मैं डायरेक्टर कैमरा ऑन है सर एंड एक्शन हार्टी प्लस स्टार्ट टैंग 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 टैं
आपको मेरा डांस अच्छा नहीं लगा? मैं पूरा दिखाती हूँ। नहीं नहीं मेरा भी आ रहा है। आप सर नहीं आएंगे। डांस नहीं होगा। सासुमा, अब मैं आपको वो ऋतिक रोशन वाला स्टेप सिखा रही हूँ। 1, 2 and go. कविता, तुम माम को शूटिंग पे लेके क्यों आई? हेलो, हेलो, हेलो। कविता, तुम माम को शूटिंग पे लेके क्यों आई? विनोद, वो ही मेरे पीछे आई थी, मैं नहीं लेके आई थी। लेकिन तुम क्यों आई? हाँ, लेके आई तो क्या हुआ? मुझे भी एड फिल्म में काम करना है। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तेरा खराब हुआ है, अपनी मम्मी को छोड़कर मीरा की मम्मी को चांस देता है। अरे माँ, ये तुम्हारी फील्ड नहीं है। तो क्या मीरा जी की मम्मी की फील्ड है? मैंने थिएटर किया हुआ थोड़ा बहुत। हाँ, मैंने जवानी में थिएटर किया है और अब भी कर रही हूँ। अरे माँ, मैंने चाहता कि तुम किसी आलतू फालतू एड फिल्म में काम करो। आलतू फालतू सासुमा, आलतू फालतू एड फिल्म अब भी मीरा जी डोंट ओवररिएक्ट। चाचा को फोन करके पागल हो गई हो। हर्जी क्या है विनोद? मैं पूछती हूँ, हर्जी क्या है अगर सासू माँ ने एक छोटी सी एड में काम कर लिया तो? अरे बाबा, एड फिल्म इज अ प्रोफेशनल जॉब। माँ, तुम रिटेक दोगी, कंफ्यूज हो जाओगी, बड़ा एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाएगी मेरी और क्लाइंट हंसेगा मुझ पर। माँ, नो विनोद, कोई क्लाइंट तुम पे नहीं हंसेगा और मम्मी जी रिटेक्स नहीं देगी। सासू माँ मेरे साथ डांस प्रैक्टिस करेगी। कम ऑन, आर यू रेडी सासू माँ? हां, कान चलो हटो। ऊपर से मैं अपने लिए खाना भी बनाऊं और तुम्हारी मां ना। देखो, गर्जो महाराज को बॉस ने भेजा है, अगर जाके कंप्लेन कर दी ना हमारी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम तब होगी जब तुम्हारी माँ की एड फिल्म मार्केट में आएगी, लोग पागल हो जाएंगे देखकर। देखो, मेरी माँ इतना बुरा काम ही नहीं करती। अरे लोगों ने आज तक इस तरह का नमूना कभी देखा ही नहीं होगा। नमूना कह रहे? देखो, आपको मालूम है हिंदी में मॉडल को नमूना ही कहते हैं। मेरा जी, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वेरी गुड, गर्जू महाराज बहुत मेहनत करते मम्मी पे, बहुत फैंटास्टिक। माफ करना बर्फदार, आपने तो हमारे घर को कोठा बना दिया। आई विश भाई, आप समझे नहीं सर, आप घर में एक स्टार पैदा हो रहा है सर, जन्म दे रहा है सर। आपको मालूम नहीं है कि ये इंडिया की टॉप मोस्ट मॉडल होंगी 60+ कैटेगरी में, यू नो सर। मैं सोच बताऊं मैं कर पाऊंगी ना डांस? आप पीछे नहीं हट सकती आंटी जी, इट्स एन ऑर्डर, आपको करना होगा। पहले तो आप मेरी बीवी को नचाते थे उंगलियों पर, अब मेरी सास को नचा रहे हैं उंगलियों पर। आइए मेरा जी, लेट्स गो आउट फॉर लंच। भूख मुझे लगी, उसको लेकर भैया अकेले थोड़ी जा रहा हूँ भाई, मीरा जी को लेके जा रहा हूँ, आंटी को लेके जा रहा हूँ और गर्जू महाराज को लेके जा रहा हूँ। हाय हाय हाय, कहाँ ले चलेंगे आप मुझे? सर, पीछे की बात करिए प्लीज। और मैंने तो लेडी डांसर को बुलाया था, ये कहाँ से आ गए आप? कहाँ से आए? मैं क्या किसी लेडी से? मीरा जी, लेट्स गो, छोड़िए मेरा, आइए ना। क्या हुआ? अरे क्या मुट्ठी भर भर के बेल खाता है, पैसे मैं चुका तो सारी तू खा जाना। कम खा रहा हूँ। कहाँ कम खा रहा है? लो लो, मुंजी लो। काय का टेंशन है? अरे टेंशन ये है कि जिस हिसाब से गर्जू महाराज मेरी सास को डांस सिखा रहा है ना, लगता है ऑडिशन टेस्ट मेरी सास जीतने वाली है और मैं घर का नौकर बनने वाला हूँ। अरे हमारे होते हुए ऐसे कैसे
नौकर बन जाएंगे, कुछ आइडिया सोचते हैं। आइडिया कहाँ से लाऊं? आइडिया फेल मत कर, कॉकरोच सद्दू कहीं से जिंदा कॉकरोच का इंतजाम कर। क्यों कॉकरोच का जाना लगा? आज सुबह प्रैक्टिस करते समय क्या हुआ, कॉकरोच आ गया और मेरी सांस डर के मारे भाग गई। एक काम करेंगे, जब ऑडिशन चल रहा होगा ना, तू जिंदा कॉकरोच छोड़ देना, मेरी सांस मैदान छोड़ के भाग जाएगी, वर्मा की मां जीत जाएगी। आप मीरा मैडम की मम्मी की छुट्टी करके रख देंगे। टू गुड। मोहन जी, इस सब का क्रेडिट मुझे जाना चाहिए, क्योंकि रात दिन सासू माँ के पीछे मैंने मेहनत करी है। डांस तो मैं कर रही हूँ, तूने क्या किया? डांसिंग कोल्हापुर से सीख गया, ये सारे स्टेप्स मैंने This is not the issue. ये issue नहीं है. Issue. ये मुद्दा नहीं है. मुद्दा ये है कि हमने मीरा मैडम की मम्मी को डिफीट करना है. ये issue है. हाँ, मैं जब डांस करूंगी ना तो मेरे सामने खड़ी नहीं रहेगी. हाँ. मतलब? मोहन जी, जब सासू माँ जोश में आके डांस करती है ना, तो ऐसा लगता है कि भूचा आ गया. देखना है. हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। आंटी जी, हिम्मत से काम लो, जीत आपकी है, डोंट वरी। आंटी, जोर लगा के हमें पिस्तौल वालों को इंप्रेस करना, कम ऑन, यू कैन डू इट। डोंट वरी, आई कैन डू इट। याद रखना। ओके ओके ओके, अब आप दोनों मेरे फेवरेट सॉन्ग पर डांस करेंगे। मिठाई खाओ मिठाई। किस खुशी में? कल 40 प्लस की एड की शूटिंग है और बॉस ने मम्मी को 50,000 में साइन किया है। 25,000 एडवांस आ भी चुके हैं। अच्छा, मुबारक हो भाई, मुबारक। कितनी खुशी से मुबारक हो कह रहे हो। छोड़ो माँ, ये कहाँ खुश होगा, ये तो चाहता था कि वर्मा साहब की माँ जीते। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ यू सासू माँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जो बुढ़िया जमीन पर ठीक से चल भी नहीं पाती है, वो ऑडिशन के टाइम पे बिजली की तरह थिरक थिरक के नाच कैसे रही थी? वो तो मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? किसी कमबख्त ने कॉकरोच छोड़ दिया, वो मेरे कमरे में घुस गया।